अलवर शहर विधायक संजय शर्मा पानी की समस्या को लेकर सिलिकेट झील के पास धरने पर बैठे। विधायक संजय शर्मा ने बताया कि शहर में पानी की किल्लत कम हो इसके लिए मैंने 2022 में राजस्थान विधानसभा में शहर को पानी मिले इसलिए पुरजोर तरीके से मांग उठाई थी, जिस पर राज्य सरकार ने संज्ञान लिया और पूर्व कलेक्टर व जलदाय विभाग के निर्देश पर 38 करोड़ की योजना बंद के राज्य सरकार तक पहुंची। अलवर शहर की जनता को ये विश्वास था कि 2023 में मुख्यमंत्री जो बजट घोषणा करेंगे उस पर ये योजना लागू करेंगे, इसलिए शहर विधायक संजय शर्मा ने कई मंत्रियों से मुलाकात की, फोन पर वार्ता भी की, मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा गया, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा इस बजट की योजना को अंतिम दिन तक भी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। राजस्थान सरकार को ये सोचना चाहिए कि अलवर शहर में पानी की समस्या बिल्कुल बेकार हो चुकी है। शहर में आए दिन स्थानीय लोग पानी की समस्या को लेकर जाम लगा देते हैं, लेकिन पानी की समस्या का हल नहीं होता। जो भी जलदाय विभाग की तरफ से बोरिंग लगाई गई है उनमें 70 के करीब बोरिंग की जा चुकी है, लेकिन बिजली के अभाव में उनको चालू नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि पेयजल की जो भी समस्या है इसी के तहत अलवर शहरवासियों को जल्द से जल्द पानी मिले और राज्य सरकार इस पर ध्यान दे, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व शहर विधायक संजय शर्मा सिलिकेट झील के बीचों बीच लाइट हाउस पर धरने पर बैठे हैं। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक की धरने पर बैठे रहेंगे, स्वीकृति प्रदान करेंगे। इसको लेकर के मैं जलदाय मंत्री आदरणीय महेश जोशी जी से मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में पत्र सौंपा, हमारे जो ACS हैं जलदाय विभाग के आदरणीय सुबोध अग्रवाल जी को फोन पे आग्रह किया, साथ ही साथ हमारे जो वित्त सचिव हैं आदरणीय अखिल अरोड़ा जी से फोन पे आग्रह किया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि अलवर शहर की जो पानी की समस्या है उसको ध्यान में न रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट के अंतिम दिनों में भी इस योजना को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। बार बार मैं लगातार प्रयास करता रहा अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, राज्य सरकार से बार बार मांग करते रहे। आज दुखी होकर के, क्योंकि अलवर शहर में पानी की व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ाई हुई है, बोरिंग देने के बाद भी ना तो उन पर बिजली के कनेक्शन किए जा रहे हैं, 70 के करीब बोरिंग हुई पड़ी हुई है लेकिन बिजली कनेक्शन के अभाव में उन बोरिंग्स को शुरू नहीं किया जा रहा है। पेयजल की जो योजना है सिलिसेट अलवर जो पेयजल योजना 38 करोड़ की योजना, उसको स्वीकृति प्रदान करने के लिए, मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने के लिए, अलवर शहर की जनता की गुहार लगा पहुंचाने के लिए आज हम लोग सिलिसेड स्थित बांध के बीचों बीच लाइट हाउस पर धरने पर बैठे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी मानवता दिखाते हुए अलवर शहर की जनता को राहत प्रदान करते हुए 38 करोड़ की इस योजना को स्वीकृति प्रदान करेंगे, जिससे अलवर शहर की जनता को पीने के लिए पानी उपलब्ध हो।